हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रयाग दी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेस एंड सब्जेक्ट इज इंग्लिश फ्रॉम BA LLB सेकेंड सेम एंड द टॉपिक इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. एज आई टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो व्हाट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड द कैटेगरी टू कैटेगरीज आई टोल्ड यू लाइक फर्स्ट वन वॉज टाइम. According to the time, how you can differentiate or identify subordinating conjunction, and according to the purpose or cause, how you are going to categorize subordinating conjunction. Okay, but we have few more topics, few more categorization through which you can understand and you can identify subordinating conjunction. So today we are going to study on that. Okay, first two we have already done. Now we will go through purpose. We have already done two topics, दो कर चुके हैं, time और cause या reason के बारे में. आज हम purpose के बारे में पढ़ेंगे. Purpose के अगर हम subordinating conjunction को differentiate करते हैं, हम उसको categorize करते हैं, तो हम कैसे किसी sentence में subordinating conjunction को ढूंढेंगे और पता लगाएंगे उसके बारे में. एक एग्जाम्पल हम इसमें देंगे. वी ईट सो दैट वी मे लिव. ओके, आप इसे ध्यान से देखेंगे. ये कितना कैसा सेंटेंस है, एक सेंटेंस है लाइक, बट वी हैव अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे वी कैन आइडेंटिफाई टू सेंटेंसेस. वी ईट सो दैट वी मे लिव, वी मे लिव, वी ईट, है ना. इसे भी हम एक छोटा छोटा सेंटेंस कहते हैं. जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जब हम बात करते हैं तो सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस को भूल जाइए, वहाँ उसका कोई लेना देना नहीं होता है. उसके जगह पे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं, या जो भी सेंटेंस होता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है. तो यहाँ पे भी हमने दो सेंटेंसेस को मिलाया है सो दैट के थ्रू, और इसको एक सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है. अब अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसमें बात करते हैं तो तीन चीज़ें हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं. एक तो है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ओके, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ लगा हुआ जो सेंटेंस होता है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है. ओके, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. ओके, वी मे, वी ईट, ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है. ठीक है, तो पर्पस हमारे पास, हमें क्यों खाना है, ताकि हम जी सकें. तो ये सेंटेंस हमें इस तरह से हम पर्पस में कैटेगराइज कर रहे हैं, और इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये है जो हमें दोनों वर्ड को जोड़ के दे रहा है, और ये पूरा सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्लियर. ओके, नेक्स्ट, अगर इस सेंटेंस को आप देख रहे हैं और इसी तरह के एक सेंटेंस को हम और लेते हैं, जैसे कि ही हेल्ड माई हैंड लेस्ट आई शुड फॉल. ही हेल्ड माई हैंड लेस्ट आई शुड फॉल. ओके, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया नहीं तो मैं गिर जाता, आई शेल फॉल, है ना, बेस्ट. तो हेल्ड माई हैंड, दिस इज अ सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज अ सेकेंड सेंटेंस, है ना. तो पर्पस क्या था उसके हाथ पकड़ने का, कि वो गिर ना जाए, है, इसलिए इस सेंटेंस को हमने पर्पस के अकॉर्डिंग डाला है. ओके, और इस पूरे सेंटेंस में दिस इज सबऑर्डिनेटिंग प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि आपको मैंने शुरू में ही बताया था पहले वीडियो में कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से होते हैं. आप यू गो थ्रू दैट वीडियो आल्सो, ताकि आपको समझ में आए कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता क्या है. ओके, जब हम इस सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि लेस से जुड़ रहा है तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, दिस इज सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. ठीक है, तो ये हमारा पर्पस के अकॉर्डिंग हमारे पास ये दो सेंटेंस है. अब अगर हम चौथा एक और कैटेगरी में अगर हम डालेंगे तो रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस,
रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस, इसका क्या परिणाम निकलता है, उस सेंटेंस का क्या परिणाम निकलता है, उसके ऊपर भी हमारा सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड बेयरली स्टैंड और स्कैर्सली स्टैंड. ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड स्कैर्सली स्टैंड. अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो हम क्या देखे हैं कि यहाँ पे दो सेंटेंस है. अगर आप इसे पढ़ रहे हैं, देखें, ही वॉज सो टायर्ड, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है. दिस इज फर्स्ट सेंटेंस दैट. अब यहाँ सेंटेंस दैट से जो जुड़ रहा है, ही कुड स्कैर्सली स्टैंड, है ना, ये दूसरा सेंटेंस है. अब दैट क्या है, हमारा सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है. और इसके बाद वाला सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है. अब इसमें आप बताइए कैसे मैंने फाइंड आउट किया, दैट से वो इतना थका हुआ था, थक गया था, उसका उसके कारण वो खड़ा भी नहीं हो सकता था, है ना, ये उसका रिजल्ट है ना, इसका कॉन्सिक्वेंसेस है कि हमने वो इतना थक गया था कि वो चल भी नहीं पा रहा था, सॉरी ये खड़ा भी नहीं हो पा रहा था. तो इस तरह से हमारा सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन, जब भी हम किसी सेंटेंस को किसी सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन शब्द से जोड़ते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है. और उस सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस होता है वो सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाता है. इट्स अ सिंपल रूल. और उस सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले वाला सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज होता है. दिस इज सिंपल, वेरी मच नॉर्मल. ओके, सो दीज आर द टॉपिक रिलेटेड टू सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन. अभी इसके बाद हम कंडीशन के ऊपर भी सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन को हम डिवाइड कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं. एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कंडीशन, फिफ्थ हमारा कैटेगरी है कंडीशन. कंडीशन के ऊपर हम कैसे सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन को डिफाइन करेंगे या कैटेगराइज करेंगे. इसमें राम विल गो इफ हरी गोज, है ना. अगर हम एक एग्जाम्पल लें, राम विल गो इफ हरी गोज, है ना. राम विल गो, दिस इज अ सेंटेंस एवरीबडी नो. हरी गोज जाता है, वो भी एक सेंटेंस है. बट फिर मैंने बताया इससे पहले कि कोई भी सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज से जुड़ा हुआ सेंटेंस जो है, सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ सेंटेंस जो है वो सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाता है. इसी से हम सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं. हमने स्टार्टिंग में ही जब आपको एग्जांपल बताया था उसमें इफ, वेयर, व्हाइल, ये सारा सेंस, ये सारे जितने भी चीज़ें हैं वो हमारा सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर आता है. आप पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको फाइन पता लग सके कि आप सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, राम विल गो क्या है, एक सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस है. हरी गोज, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है. फिर यहाँ इफ आया, सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये. ओके, और उसके साथ जब हम बात करते हैं लगा हुआ जो लगा हुआ सेंटेंस है वो सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया और उससे पहले वाला प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, राइट. ये हमारा कंडीशन है, जब राम जाएगा तभी हरी भी जाता है ना. तो ये हमारे पास कंडीशन है. इसके बाद हम बात करते हैं ग्रीवेंस कैन नॉट बी रिड्रेस अनलेस दे आर नोन. अगर हम इसके एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, ग्रीवेंसेस कैन नॉट बी रीड्रेस्ड, ओके, रीड्रेस्ड अनलेस दे आर ये grievances cannot be redressed unless से यहाँ जुड़ा है they are known. ये आपको समझ में आ रहा है, एक दो sentences से जुड़ करके ये एक complex sentence बना हुआ है. This whole sentence is complex sentence. Okay?
ये भी कंडीशन है ना, जब तक उसे आप अनलेस से आपने जोड़ा है, और अनलेस क्या है हमारे पास, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये एक सिंपल, आप इसी सेंटेंस को देख ले सकते हैं कि ये एक सिंपल सेंटेंस है, ग्रीवेंस कैन नॉट बी रिड्रेस्ड अनलेस दे आर नोन, दे आर नोन एक सिंपल सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये दो सेंटेंस को, सेंटेंसेस को जोड़ के बनाया गया है और दोनों एक दूसरे पर रिलेटेड है, इसलिए ये पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एक एग्जाम्पल है, जो कंडीशन पे, एक कंडीशन अनलेस, जब तक की, है ना, तो हमारा ये कंडीशन है, इस पे हमारा ये सेंटेंस हमने आइडेंटिफाई किया है और ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एक कैटेगरी है। उसके बाद हम कंसेशन की अगर हम बात करते हैं, एक कंसेशन पे भी हमारा पूरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कैटेगराइज होता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल ही लेकर हम आपको, आप उसको समझ सकते हैं। पहला, आई विल नॉट सी हिम दो ही कम्स, आई विल नॉट सी हिम दो ही कम्स, ओके, सो कंसेशन में आई विल नॉट सी हिम दो, दो भी हमारा क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये दो ही कम्स, है ना, वो आता है कि आई विल नॉट सी हिम, मैं नहीं देखूंगा, है ना, उसे नहीं देखूंगा, तो ये और ये दो सेंटेंस हो गया, ये पहला सेंटेंस है ही कम्स, सेकेंड सेंटेंस है, ठीक है, और दो से ये दोनों जुड़ रहे हैं सेंटेंस। अभी जब भी मैंने एग्जाम्पल में बताया है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को आपको फाइंड आउट करना है पहले, उसके बाद आप बता सकेंगे कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या है और प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, और प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, समझ में आया आपको? तो इस तरह से आप सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू एग्जाम्पल्स एंड थ्रू आपके क्या कहते हैं सेंटेंस के, और हम उसको वर्ड्स, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड जो अगर हमें पता है तो हमें आसानी से समझ में आ जाता है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज कौन कौन से इसमें हैं, ठीक है। एक लास्ट करके मैं फिनिश करूंगी, सेवन, इसमें एक और कंपैरिजन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि देन जो रिलेटेड होता है, देन से रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस होंगे, देन जिसमें होगा, नॉट रिलेटेड, जिस सेंटेंस में देन होगा वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कंपैरिजन कैटेगरी में आएगा, ठीक है, कंपैरिजन वाले कैटेगरी में देन होता है ना, देन, देन एक एग्जाम्पल है, टी एच ए एन, देन, है ना, किसी भी दो सेंटेंसेस में कंपैरिजन होता है वो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, वो वर्ड जो कि उन दो सेंटेंसेस के बीच में कंपैरिजन करे वो वर्ड हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेंगे, ही इज स्ट्रॉन्गर देन रुस्तम, है ना, तो ये स्ट्रॉन्गर है देन रुस्तम, है ना, अब हम रुस्तम को भी तो नहीं लिखेंगे, रुस्तम इज स्ट्रॉन्गर, है ना, हमने एक ही सेंटेंस में देन को लगा करके हमने दो सेंटेंसेस को, रुस्तम इज स्ट्रॉन्ग भी है इसमें, यहाँ पे आप इसे ध्यान दे करके देखिए, क्योंकि ये मत समझिए कि सिर्फ रुस्तम नाम लिख दिया है, हमने रुस्तम को भी स्ट्रॉन्ग बना करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ही इज स्ट्रॉन्गर देन रुस्तम, यानी कि रुस्तम इज मोर स्ट्रॉन्गर देन हिम, है ना, तभी इस लेकिन हमने यहाँ पे देन लगा दिया और हमने एक सेंटेंस इसको बना दिया, सो तो देन जो है हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्या हो जाएगा, कंजक्शन है हमारा, कंपैरिजन कंजक्शन, कंपैरिजन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ही इज स्ट्रॉन्गर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, और हमारा रुस्तम जो है पूरा देन एंड रुस्तम जो है वो हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में आएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इन दिस वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वील गो थ्रू सम मोर इंग्लिश टॉपिक्स।
ओके थैंक यू।